एवरीवन, वेलकम टू चैनल द गीक मॉन्क एंड दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और आज की वीडियो है टॉप एमसीए कॉलेजेस इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि टॉप एमसीए कॉलेजेस इन इंडिया, लेकिन कोई भी एनआईटी से आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें बात करी जाएगी इंडिया के एनआईटी से हट के टॉप कॉलेजेस, जिनके अंदर मैक्सिमम प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट और इन सब बाकी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसमें मुझे किसी भी अलग कॉलेज से प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं मिला, तो ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। और जो भी इसमें मैं एवरेज पैकेज, मैक्सिमम पैकेज बताऊंगा, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो कि डिपेंड करती है हर बैच की कैपेबिलिटी पे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अगर कोई बैच बहुत अच्छा आता है तो उनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और कोई बहुत लो बैच आता है तो उनकी प्लेसमेंट लो होती है। तो ये एक बहुत ही डायनेमिक कंटेंट है, तो इस वीडियो को तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहला है एनआईटी तिरची। एनआईटी तिरची जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर वन ही होगा। इसका मैक्सिमम अभी तक पैकेज गया है 50 लाख पर एनम एमसीए स्टूडेंट्स का, और एवरेज पैकेज गया है 15 टू 18 लाख तक पर एनम। तो ये आप देख सकते हैं कि टॉप कॉलेज है निमसेट से, जिसके अंदर आप लेके आएंगे इस वीडियो के निमसेट के एंड में, मतलब जो भी एनआईटी के कॉलेजेस हैं उसके बाद मैंने एक सीट वाइज आपको बता रखी है रैंकिंग कॉलेजेस की, कि अगर आपको एनआईटी तिरची में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कितनी रैंक लानी चाहिए। तो ये वीडियो लास्ट तक एंड तक जरूर देखें। अगला आता है सेकंड मेरी लिस्ट पे जो है वो है एनआईटी सूरतकल। तो सूरतकल जो है उसका मैक्सिमम पैकेज गया है 40 लाख। ये एक बहुत ही डायनेमिक कंटेंट है, तो 40 लाख, अगर इससे भी अच्छा कोई बैच आता है तो ऑब्वियसली वो 50 लाख होगा। एवरेज पैकेज इसका जाता है 15 टू 16 लाख। एनआईटी वारंगल, वारंगल जैसा कि आप जानते हैं कि ये थर्ड आता है लिस्ट में, इसका मैक्सिमम पैकेज गया है 40 टू 45 लाख जाता है, और एवरेज जाता है 14 टू 16 लाख। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप निमसेट में अच्छी रैंक लाएं और इन कॉलेज में जाएं तो आपके 14 टू 16 लाख तक लग सकती है अगर आप पूरी मेहनत करें तो। उससे भी ज़्यादा करेंगे तो आपकी 40 टू 45 लाख देखिए कहीं नहीं जाता। उसके बाद आता है आपका एनआईटी इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाता है आपका 40 लाख पर एनम मैक्सिमम, और एवरेज पैकेज जाता है आपका 15 टू 16 लाख। तो इसके बाद जो है एनआईटी कैलिकट, कैलिकट और इलाहाबाद 4 और 5 नंबर के लिए आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये भी एक डायनेमिक है कि अगर कैलिकट में अच्छा बैच आता है तो ऑब्वियसली कैलिकट 4th नंबर पे होगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट इलाहाबाद से ज़्यादा होगी। तो ये सब प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मैक्सिमम पैकेज अभी तक जाता है 35 टू 40 चले जाता है, और एवरेज इसका है 15 लाख। उसके बाद आता है एनआईटी भोपाल, उसके बाद इसमें जाता है 30 लाख और एवरेज है इसका 14 टू 15 लाख पर एनम। तो ये थे एनआईटी के कुछ कॉलेजेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईटी के बाकी कॉलेजेस टॉप 10 रैंकिंग में ही आएंगे, वो बाकी सबको पता है, लेकिन मैंने मेन एनआईटी के कॉलेजेस आपको बता दिए कि आपको नॉलेज हो कि टॉप कॉलेजेस कौन से आते हैं आपको, जिसके लिए एम करना है। उसके बाद अगर आप मिस कर जाते हैं एनआईटी के बाकी कॉलेजेस को भी, तो आपके पास और भी कॉलेजेस हैं तो इंडिया में जो हैं टॉप, जो कि इन्हीं के आसपास पैकेज देते हैं मैक्सिमम, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहला जाएगा मेरा नंबर 7th नंबर पे DUMCA। ये 7th नंबर इट्स जस्ट अ नंबर, बिकॉज इससे पहले एनआईटी के बाकी कॉलेजेस भी हैं जो मैंने कवर नहीं करे, जो कि बहुत जनरल है, कुरुक्षेत्र, सूरतकल, लेकिन ये बाकी कॉलेजेस की बहुत डिमांड है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता और इसके बारे में कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनी। तो ये है DUMCA, इसका मैक्सिमम पैकेज जाता है 28 लाख और एवरेज पैकेज जाता है 13 टू 15 लाख। उसके बाद आती है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम पैकेज है 15 टू 17 लाख और एवरेज है 6 टू 7 लाख। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब जैसा कि आप देख सकते हो ये भी गवर्नमेंट है, DU भी गवर्नमेंट है, इसके आगे जो आएगी वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट के लेवल तक पूरी पहुंच चुकी है। ये है VIT। इसके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, ना ही कोई इसके बारे में बात करता है, लेकिन इसके पैकेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं। इसके BTEC के पैकेजेस अच्छे जाते हैं, इसका मतलब इसके MCA के भी अच्छे ही जाते हैं। तो इसका है 29 लाख पर एनम जाती है और एवरेज पैकेज इसका 7 टू 9 है। तो इसमें भी अगर आप जाएंगे तो आपकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जो सिमिलर पैकेजेस वाले जो कॉलेजेस हैं जिसके लिए आपको एम करना चाहिए, वो हैं BHUMCA, बिट मिश्रा,
बिट मिश्रा, इसका आपका बिट्स का पेपर होगा, उसके बाद है जामिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद है JNUMCA. JNUMCA में मुझसे बहुत लोगों ने बोला था कि एक प्रॉपर वीडियो बनाए, तो अगली वीडियो मेरी उसी पे होगी. इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैंने आपको कुछ पुराने साल के पेपर जैसे DUMCA के, इस बारी JNUMCA के प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, BHUMCA के दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को ढंग से ज़रूर चेक कीजिएगा. उसके अलावा JNUMCA में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होने के बावजूद वहाँ कंपनीज बहुत कम आ रही हैं, तो उसकी प्लेसमेंट्स काफ़ी कम जाती हैं. वैसे वो यूनिवर्सिटी बहुत टॉप की है, लेकिन कंपनी ना आने के कारण वो एक MCA के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है. उसके बाद आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक CUCET के, जैसे आप राजस्थान, अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे बैंगलोर, अलग अलग जैसे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ पर आप कोई कोर्स कर सकते हैं MCA का. उसके अलावा IP के कॉलेजेस हैं, मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि BVI कैम है उसमें, USIT है, LBS है, जिम्स है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं. उसके अलावा है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में. अगर मेरे से कोई वीडियो कोई कॉलेज मिस हो गया हो तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगती है तो वो भी कर सकते हैं. ये हमारे जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इस पर देख सकते हैं ढंग से. इसके अलावा जो मैंने बताया था कि इस पूरी वीडियो में NIMCET के जो होगा कॉलेजेस के सीट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता रखी है मैंने. NIT अगरतला में देख सकते हैं आप 662 रैंक तक मिल जाएगा, अलाहाबाद में 213 तक लाना पड़ेगा, भोपाल में 315, ये जनरल की बता रहा हूँ मैं, बाकी आप देख सकते हैं. NIT दुर्गापुर में 467, कैलीकट में 261. जितनी जितनी रैंक कम होगी उसका मतलब वो कॉलेज उतना ही अच्छा है और उससे आपकी प्लेसमेंट उतने ही ज़्यादा लगने के चांसेस हैं. तो आप देख सकते हैं कि कैलीकट की बहुत कम रैंक है, इसका मतलब वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से प्लेसमेंट आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी. NIT तिरची ऑब्वियसली इट्स ऑन द टॉप, उसके बाद वारंगल 97, सूरतकल 175. तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि इंडिया के टॉप MCA के कॉलेजेस कौन कौन से हैं. तो आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर कोई बंदा MCA के लिए एम कर रहा है तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले टारगेट करे. तो ये थी मेरी टॉप MCA कॉलेजेस इन इंडिया की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन. अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.